ऑलराइट, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफिनिट इंटीग्रल। वेल, ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया था कि जो इंटीग्रेशन है, ये ध्यान से देखिए, इंटीग्रेशन जो है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है, दो पार्ट, एक इंडिफिनिट था और एक डिफिनिट है। एक बताया गया था इंडिफिनिट और दूसरा जो है डिफिनिट इंटीग्रल, ठीक है। और ध्यान से देखिएगा, इंडिफिनिट का जितना भी मैंने प्रॉपर्टीज पढ़ाया है, जो भी प्रॉपर्टीज हो गया, वो लॉन्ग डिवीजन मेथड है, हाथी वाला चार फॉर्मूला, हाँ हाथी याद आ रहा होगा, चार फॉर्मूला, या फिर मैंने ढोलू भोलू कालिया करके बताया था, तीन फॉर्मूला वहां बताया था, लॉन्ग डिवीजन मेथड जो मैंने पढ़ाया था, उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट में ई का पावर एक्स याद आ रहा होगा, ई का पावर एक्स एफ एक्स और प्लस एफ डैस एक्स, ठीक है, एफ डैस एक्स और डी एक्स हो गया, ये है ई एक्स और एफ एक्स प्लस सी हो गया, ये भी एक फॉर्म है। ये सारा का सारा जितना भी फॉर्म है वो सब हम लोग यहाँ कहीं ना कहीं यूज करेंगे, क्लियर। जितना भी फॉर्म वन फॉर्म टू फॉर्म थ्री आपको जो बताया गया था, एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन लगभग मैं करवाया हूँ, जितने भी इंडिफिनिट इंटीग्रल का था, एक ही क्वेश्चन मैंने बताया आपको। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिफिनिट इंटीग्रल। ध्यान से देखिए, बहुत मजेदार टॉपिक है ये भी। डिफिनिट इंटीग्रल को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है, इसको कहते हैं, ये ध्यान से देखिए, इसको लिमिट ऑफ अ सम, ठीक है। कभी कभी बच्चे उल्टा भी पढ़ते हैं, प्रोनाउंसिएशन भी होती है, लिमिट ऑफ अ सम या सम ऑफ अ लिमिट पढ़ते हैं, दिस इज कॉल्ड लिमिट ऑफ अ सम, ठीक है। लिमिट पहले होगा, सम बाद में होगा। और उसके बाद जो है ना, इसका जो दूसरा है कि डायरेक्ट इंटीग्रेशन ए टू बी, मैंने लिखा एफ एक्स और लिखा डी एक्स, ठीक है, ये लिखा मैंने एफ एक्स और यहां पर ए टू बी, ठीक है, ए टू बी। मान लो कि अगर ए से बी ये नहीं होता तो इसको हम लोग कहते हैं इंडिफिनिट इंटीग्रल, ठीक है, इंडिफिनिट। और ये जो पोर्शन कहलाता है ना, ये जो पोर्शन, इसे कहते हैं हम लोग लोअर लिमिट, ये लोअर लिमिट हो गया, ये लोअर लिमिट हो गया। इसको हम लोग कहते हैं अपर लिमिट, ये हो गया अपर लिमिट हो जाएगा, ठीक है, लोअर लिमिट अपर लिमिट। अगर ये दोनों नहीं रहता है तो कुछ ना कुछ आंसर तो निकलता है, इंटीग्रेट करके निकालते, और इंटीग्रेट करके निकालने के बाद ऊपर भी नीचे ए, और एक बार एक्स की जगह अपर लिमिट, और फिर मैं क्या करता, लोअर लिमिट पुट करता, एफ बी माइनस एफ ए, एफ बी माइनस एफ ए, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो पूरा डिफिनिट इंटीग्रल इसी दो पार्ट, डिवाइडेड है, एक लिमिट ऑफ अ सम और दूसरा जो आपको बताया गया है नीचे वाला लोअर लिमिट अपर लिमिट, और इसका आंसर एफ एक्स आएगा, ऊपर अपर लिमिट नीचे लोअर लिमिट, एफ बी माइनस एफ ए, डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज करेंगे हम लोग, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। और इसका जो ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस होता है, इसको हम लोग कहते हैं एरिया अंडर कर्व। इसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे, स्पेशली फॉर डिफिनिट इंटीग्रल का जो ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस होता है, माइंड में क्या पिक्चर बनता है, जब भी ए टू बी अगर आएगा, इसका मतलब हम लोग एरिया को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, एरिया को कैलकुलेट करेंगे। किसी भी फिगर का हम लोग एरिया निकाल रहे हैं, वही हमारा डिफिनिट इंटीग्रल हो गया, एरिया अंडर कर्व। देखिएगा, इसका हम लोग पढ़ेंगे भी, ये इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस है कि माइंड में हम लोग क्या पिक्चर एज्यूम करते हैं, अगर ए टू बी आता है तो इसका माइंड में क्या पिक्चर होता है। चलिए आगे, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। मान लो कि y इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है, y इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है, अब ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, और मैंने कोई ग्राफ ऐसा करके बनाया, कोई ग्राफ बना दिया, और यहां से एक ड्रॉप करवाया लाइन नीचे, और एक यहां लाइन ड्रॉप करवाया मैंने,
अब क्या करूंगा मैं, ये समझो यहां पे रख रहा हूं मैं x इक्वल टू ए रखा, ठीक है, ए पोजीशन हो गया, और पूरा यहां से यहां तक चला जाओ तो ये होगा x इक्वल टू बी हो जाएगा, x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी। अब क्या करना है, ड्रॉप कर दो इसे, इसे ड्रॉप कर दो। यहां पर क्या है ना, ये मैं क्यों बना रहा हूं, ड्रॉप क्यों करवा रहा हूं, मान लो कि मुझे इस फिगर का एरिया कैलकुलेट करना है, ये जो फिगर आप देख रहे हो ना, इस फिगर का मुझे एरिया कैलकुलेट करना है, ये कर्व दिया हुआ है, मैंने इसको बॉन्ड कर दिया, जो फिगर आप बॉन्डेड देख रहे हो ना, मुझे इसका एरिया कैलकुलेट करना है। अगर ट्रायंगल होता तो मैं फॉर्मूला लगा के काम चला देता, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, अगर ये स्क्वायर होता तो साइड का स्क्वायर कर देता, सर्कल होता तो पाई आर स्क्वायर कर देता, लेकिन ये तो अजीब सा फिगर दिख रहा है, तो इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, एकदम क्लास 6-7 में बेसिक मेथड हम लोग को सिखाया गया था कि कोई भी फिगर को छोटे छोटे स्क्वायर में पहले काट देते थे, और स्क्वायर में काटने के बाद क्या होता था, एक मिनट देख ले रहा हूं, सब क्लियर है, हाँ ठीक है, तो स्क्वायर में काटने के बाद क्या होता था कि जितना स्क्वायर आता था ना वो हमारा एरिया हो जाता था। तो उसी तरह हम लोग यहां पे करेंगे कि मान लो कि ये कोई यहां पर एक फंक्शन था, फंक्शन का ग्राफ बना है, इसको छोटे छोटे रेक्टेंगल में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, छोटे छोटे रेक्टेंगल में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, और अगर सारे रेक्टेंगल का एरिया मिल जाए, मतलब जितने भी रेक्टेंगल बना है सारे रेक्टेंगल का एरिया मिल जाए, और उन सबको अगर मैं ऐड करता हूं, तो ऐड अगर कर लिया तो पूरे फिगर का मेरा एरिया आ जाएगा, पूरे फिगर का मेरा एरिया आ जाएगा। तो देखो कैसे करना पड़ेगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये हो गया x इक्वल टू ए, यहां से x इक्वल टू बी लिखा मैंने, ठीक है, और ये जो मान लो कि अभी जो रेक्टेंगल का मैंने लेंथ बनाया है ना, ये जो वाइड बनाया है ये h है, इसकी जो चौड़ाई है ना h है, ठीक है, h करके दिया हूं मैं, तो क्या होगा, ये तो x इक्वल टू ए हो गया, लेकिन यहां से यहां तक क्या होगा पता है, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो इसको देखिएगा, ये होगा a प्लस h, आप कह सकते हो इसको मैं कह सकता हूं a प्लस h कह सकता हूं, ठीक है, यहां से यहां तक a, यहां से यहां तक a प्लस h, उसके बाद ये होगा a प्लस 2h होगा, 2h हो गया क्योंकि h प्लस h दो बार जाएगा हमारा, फिर उसी तरह जाते जाते, ठीक है, ये आगे और भी हमारा यहां पर बढ़ेगा, तो क्या होगा लास्ट में, क्या होगा a प्लस एन एच, और उसके पहले a प्लस एन माइनस वन एच होगा, ठीक है, a प्लस एन माइनस वन एच, क्योंकि अगर ये n है तो इसके पहले वाला n माइनस वन होना है, n माइनस वन होगा। अब देखो करना क्या है, मुझे इस रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना है, इसका अब एरिया हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, आपको पता है कि इसका ब्रेथ भी चाहिए, इसका लेंथ भी चाहिए, तो ये जो डंडा देख रहे हो ऊपर वाला, इसको हम लोग कहेंगे लेंथ, तो बताइए कैसे होगा, यहां से यहां तक x, इसके सामने जो निकलेगा उसी को हम लोग कहेंगे y, तो x इक्वल टू a उठाकर यहां पुट करो, तो ये हो जाएगा एफ ए इक्वल टू वाई, सो आई कैन राइट, ये देखो एफ ए, जब x इक्वल टू ए था तो इसके सामने मैंने पुट किया ना, तो एफ ए हो जाएगा, उसी तरह यहां देखो तो x a प्लस लिखा मैंने h, ठीक है, a प्लस मैंने यहां h कर दिया, क्योंकि ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक a प्लस h था, उसी तरह यहां पर आ जाओ, वी आर गेटिंग a प्लस 2h लिखा मैंने, सिमिलरली यहां पर देख लो तो इसके पहले वाला लिख देते हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, f a प्लस n माइनस 1 और लिखा मैंने h, f a प्लस n माइनस 1 h, ठीक है, और इसको क्या सॉल्व करेंगे, f a प्लस वी आर गेटिंग nh, ठीक है, a प्लस nh मैंने यहां पर लिख दिया, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ध्यान से देखिए, चलो एक बार फिर से देखा, a था तो f a,
ए प्लस एस था, एफ ए प्लस एस छोड़ दिया, ठीक है, मतलब कोरोस्पोंडिंग एक्स के लिए कोरोस्पोंडिंग मेरा वाई निकलेगा, क्लियर। चलिए अब हम लोग देखते हैं एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी, ठीक है, यहां तक तो चलो सब क्लियर हो गया। मुझे एरिया अगर निकालने के लिए कोई बोलता है तो एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए बहुत आसान। एरिया निकालने के लिए आपको पता है एक रेक्टेंगल लेंगे और इस रेक्टेंगल का मुझे एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ, जैसा आप फॉर्मूला जानते हो। तो लेंथ क्या है, एफ ए है, ये हो गया एफ ए, और इनटू ब्रेथ क्या है एच, प्लस फिर क्या करेंगे, ए प्लस एच किया इनटू मैंने लिखा एच, प्लस एफ ए प्लस लिखा 2h इनटू लिखा h प्लस डॉट 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 प्लस, ठीक है। और लास्ट में देखते हैं, देखो मेरे को क्या करना है ना कि अगर ये पहला रेक्टेंगल लिया तो देखो, हालांकि ये परफेक्ट रेक्टेंगल नहीं है तो कोई एक लेंथ ले लो, स्टार्टिंग वाला लेंथ लो, इधर का लेंथ ले रहे हैं, ठीक है, मैं बताऊंगा परफेक्ट नहीं है तो क्या करना है आपको, क्लियर। तो ये देखो थोड़ा छोटा है, ये थोड़ा बड़ा है, तो आप क्या करो पहले वाला से स्टार्ट करो, इधर वाला लेंथ। तो ये जो रेक्टेंगल आप देख रहे हो, यहां देखिए ये जो रेक्टेंगल आप देख रहे हैं, इस रेक्टेंगल का इधर वाला साइड है, ठीक है, तो इस वाले रेक्टेंगल का कौन सा लेंगे, इधर वाला साइड लेंगे हम लोग, सबका पहला पहला वाला साइड लेकर के चलना लेंथ। तो उसी तरह जो लास्ट वाला रेक्टेंगल रहेगा इसका भी ये पहला वाला हो जाएगा, ठीक है, इसका भी ये पहला वाला होगा, ठीक है, पहला वाला। तो क्या करते हैं, पहला वाला जरा देख लो, एफ ए प्लस एन माइनस वन, ठीक है, एन माइनस वन एच, ठीक है, और इनटू क्या करेंगे, एच कर दूंगा मैं, इनटू मैंने लिखा एच, ये पूरा का पूरा लेंथ और इधर वाला ब्रेथ हो जाएगा, ठीक है। सबसे मैं कॉमन निकाल सकता हूं, एच को निकल जाएगा कॉमन, आसान है, ये हो जाएगा एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस टू एच प्लस डॉट 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 प्लस एफ ए प्लस एन माइनस वन एच मैंने कर लिया, ठीक है, ए प्लस एन माइनस वन एच मैंने रख लिया, ये मेरा एरिया आ गया एरिया। लेकिन दिक्कत इस एरिया में पता है क्या है, कि यहां पर रेक्टेंगल ये परफेक्ट नहीं है, ये रेक्टेंगल परफेक्ट नहीं है, तो परफेक्ट एरिया नहीं आएगा। सोचो परफेक्ट एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर मान लो ये तो रेक्टेंगल अभी ऐसा करके डिस्को डांसर टाइप का दिख रहा है, परफेक्ट नहीं है जी, इधर छोटा इधर बड़ा हो गया, अगर इसको थोड़ा सा हम और काट दे, ठीक है, ये रेक्टेंगल देखो थोड़ा सा परफेक्ट हुआ है, इसको क्या करो ना आप और भी काट दो बीच में, और भी काट दो बीच में, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा और परफेक्ट लगेगा, इसको और कम कर दो, ठीक है, और कम कर दो तो हो सकता है कि और भी परफेक्ट लगेगा, और एकदम सिंगल लाइन टाइप का बना दो तो जिसका लेंथ तो है लेकिन ब्रेथ बहुत कम है तो ये और भी ज्यादा परफेक्ट लगेगा। मतलब क्या हो गया, इसके एरिया को हम एक्यूरेट बना सकते हैं कि इसका ब्रेथ अगर हम कम करते जाए ना, ब्रेथ कम करते जाए तो एरिया इसका परफेक्ट बन सकता है, लेकिन ब्रेथ अगर कम करेंगे तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल इसका बढ़ता चला जाएगा। सोचो ब्रेथ अगर मैंने कम किया, नीचे की चौड़ाई कम किया, जैसे बोला ना ये पहले इतना बड़ा रेक्टेंगल था, बीच में काटा तो दो रेक्टेंगल, फिर से बीच में काटा और भी रेक्टेंगल, मतलब जैसी वाइड कम हुआ नीचे वाला पतला हुआ, नंबर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, एरिया को एरिया रहने दो, आप क्या करो जैसी h टेंस टू जीरो लगाओ, क्योंकि इसको बहुत पतला कर दिया, जैसे मान लो इस तरह का पतला, तो वाइड तो लगभग कम हो गया, एकदम कम हो गया, जीरो के आसपास पहुंच गया जी, उसको तो नापा भी नहीं जा सकता, एकदम जीरो के आसपास, ठीक है। अगर जीरो के आसपास आ गया और रेक्टेंगल का वाइड बहुत ही पतला हो गया, बहुत ही कम हो गया, ठीक है, तो मैंने क्या एच टेंस टू जीरो लिमिट लगा दिया, एच टेंस टू जीरो का मतलब जीरो नहीं है लेकिन जीरो के आसपास है, इधर मैंने लगा दिया जीरो के आसपास, यहां देखिए क्लियर, एफ ए प्लस ए, और नहीं तो पता है क्या कर सकते हो, एक लाइन यहां पे हटा करके ऐसे कर सकते हैं कि जैसे आप वाइड कम करोगे नंबर ऑफ रेक्टेंगल बढ़ाया, इन्फिनिटी कर दिया, क्योंकि इसमें बहुत सारे रेक्टेंगल अगर करोगे तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल बहुत बढ़ जाएगा, बहुत बढ़ने का मतलब इन्फिनाइट पहुंच जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा,
इनफिनाइट पहुंच जाएगा, देखिए ये इनफिनाइट अगर पहुंच जाएगा तो एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस टू एच प्लस डॉट 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 प्लस एफ ए प्लस एन माइनस वन, और मैंने रखा यहां एस तो बाहर निकला हुआ है, ठीक है निकाल दिया, ये एन टेंस टू इंफिनिटी, एन का मतलब नंबर ऑफ रेक्टेंगल, लेकिन जैसे नंबर ऑफ रेक्टेंगल इंफिनिटी जाएगा तो ये कब पॉसिबल है जी, जब इसका वाइड जीरो के आसपास पहुंचेगा, जब ये चौड़ाई है ना ये एकदम जीरो के आसपास पहुंचेगा तब जाकर के ये पॉसिबल हो सकता है। ये हो गया एच, वी आर गेटिंग एज अ एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच लिखा प्लस एफ ए प्लस टू एच लिखा प्लस डॉट 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 प्लस एफ ए प्लस एन माइनस वन एच हो गया, ठीक है ये पूरा का पूरा देख लो जी, यही मेरा एरिया आ गया। अब देखो यहां से फॉर्मूला एक बन गया, इस फॉर्मूला को बढ़िया से तुम चबा जाइए, क्लियर है, यही पूरा आपका 6 मार्क्स दिलवाएगा, कभी कभी 4 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से आता है लेकिन आता है, ठीक है ये फॉर्मूला। और इसके अलावा एक चीज आपको और रिमेम्बर रखना है, देखो यहां से यहां तक बी है, यहां से यहां तक ए है, लेकिन अगर कोई आपसे पूछ दे कि बताओ जी यहां से यहां तक क्या होगा, बस यहां से यहां तक क्या होगा, यहां पूरा का पूरा बी है, यहां से यहां तक ए है, तो क्या करना पड़ेगा, पूरे बी में से इतना को माइनस करना पड़ेगा ए, तो बी माइनस ए हो जाएगा इक्वल टू, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, इसी को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, एच प्लस एच प्लस एच प्लस डॉट 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 एच तक जाएगा, एच कितनी बार है जी, एन बार हो, ठीक है, तो मैं इसको एनएच भी कर सकता हूं, ये देखिए यहां लिखा एनएच, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा, एच प्लस डॉट 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 एच तक गया, सारे एच को मैं ऐड करूंगा एनएच आ जाएगा, एनएच कैन बी रिटन एज अ पूरा बी में से ए को माइनस कर दो, तो यही हो गया एनएच कैन बी रिटन बी माइनस ए, क्या मैं समझा पा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, तो यही मेरा एरिया अंडर कर्व है, लिमिट ऑफ द सम है, कोई भी फंक्शन दिया हुआ है उसके अंदर का अगर एरिया निकालना है देयर इज अ फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला क्या है कि ये देखिए लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एच एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस टू एच प्लस डॉट 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 लास्ट में एन माइनस वन एच तक जाएगा, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर हम सेकंड इधर से तो फर्स्ट वाला से लेंथ लिए थे, आप दूसरे वाला भी ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ भी लेना तो एक ही लेकर के चलो, या तो पहले वाला इस रेक्टेंगल का पहले वाला लेंथ ले लो या तो दूसरे वाला ले लो, लेकिन एक फॉर्मूला पे स्टिक रहना, इसी फॉर्मूला को हम फॉलो करेंगे और हमारा आंसर आना स्टार्ट होगा। तो दो चीज पे ध्यान देना है, एक तो मैंने ये फॉर्मूला बताया, दूसरा ये बताया, ठीक है, इस पर आपको ध्यान देना है, कोई दिक्कत है तो बताइए कमेंट करेंगे। देखिए एक छोटा सा बच्चे के माइंड में दिक्कत क्या हो रही है कि सर n टेंस टू इंफिनिटी के बाद h टेंस टू जीरो कैसे आ गया, अभी मैंने बताया कि सिर्फ 4 रेक्टेंगल बनाने से एरिया नहीं निकल पाएगा, क्यों एरिया नहीं निकल पाएगा, क्योंकि जब मोटा मोटा रेक्टेंगल बनाओगे ना तो परफेक्ट रेक्टेंगल नहीं बनेगा, और परफेक्ट रेक्टेंगल बनाने के लिए इस रेक्टेंगल को और छोटे छोटे पीस में डिवाइड करना पड़ेगा, जैसे ज्यादा छोटा छोटा पीस करोगे ना उसके वाइड को कम करोगे तो रेक्टेंगल बहुत सारा बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे बताया था कि एक मोटा रेक्टेंगल इतना लिया लेकिन ये रेक्टेंगल तो परफेक्ट नहीं है, तब परफेक्ट बनाने के लिए क्या किया कि इसको 20 से काट दिया, 20 से काट किया तो 2 टुकड़ा में 2 रेक्टेंगल बन गया, उसको और 20 से काटो 4 रेक्टेंगल में बन जाएंगे, हाँ वो शेप में बढ़िया होता जाएगा लेकिन बहुत सारा रेक्टेंगल आपको निकालना पड़ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यही देखिए, हमको तो परफेक्ट एरिया चाहिए ना, तो परफेक्ट एरिया के लिए रेक्टेंगल को मुझे इन्फिनिटी करना पड़ेगा, बहुत सारा छोटा 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 काटोगे तो बहुत सारा रेक्टेंगल बन जाएगा एकदम इन्फिनिटी के आसपास, और ये जब क्योंकि मान लो कि यहाँ 4 रेक्टेंगल था तो इतना परफेक्ट नहीं आया, 8 रेक्टेंगल आएगा तो थोड़ा परफेक्ट आएगा, 16 रेक्टेंगल आएगा तो और परफेक्ट आएगा, 32 रेक्टेंगल होगा तो और भी ज्यादा परफेक्ट होगा, और इन्फिनाइट रेक्टेंगल कर दिए तो पूरा परफेक्ट आ गया, लेकिन इन्फिनाइट रेक्टेंगल करने के चक्कर में कि इसका वाइड तो कम होता जा रहा है ना, नीचे का मोटापा कम होता जा रहा है, तो मान लो कि एक टाइम ऐसा आएगा कि इस तरह का सिंगल लाइन टाइप का खाली रेक्टेंगल बनेगा,
ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो, ये भी एक रेक्टेंगल है लेकिन इसकी वाइड जो है पतला हो गया, कितना पतला हो गया जी, एकदम जीरो के आसपास। तो एन अगर बढ़ा इंफिनिटी के तरफ तो उसकी जो वाइड है ना वो जीरो के आसपास चला जाएगा, इस बात का ध्यान दीजिए। आइए अब क्वेश्चन को बनाने के लिए कुछ बेसिक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ऑलरेडी ये सारा फॉर्मूला आप जानते हो, क्लास इलेवंथ में भी आपने सीखा होगा, एपी जीपी में लगाया होगा, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो आपने क्लास इलेवंथ में सीखा वहां पर भी आपने ये सारा का सारा फॉर्मूला लगाया है। तो यहाँ देखिए 1, 2, 3 डॉट 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 एन माइनस वन तक अगर दिख रहा है तो क्या करेंगे, एन एन माइनस वन बाई टू, एकदम एपी का फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ पर क्या ले रहे हैं, आपने पढ़ा होगा पहले 1 + 2 + 3 + डॉट 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 एन तक था, ठीक है, तो होता था एन एन प्लस वन बाई टू होता था, ये आपको पता है। लेकिन क्या कर रहा हूं मैं, इस बार n तक नहीं ले रहा हूं, n माइनस वन तक ही ले रहा हूं, एक कम ले रहा हूं। तो कुछ नहीं करना है, अगर ये डाटा मान लो ये सपोज n तक होता लेकिन यही चीज मेरा n माइनस वन तक होता तो क्या करते पता है, इस n को हटा करके मैं लिखता n माइनस वन और इस हटाकर n माइनस वन प्लस वन बाई टू, दोनों हमारा कैंसल हो जाता तो इधर बसता n और n माइनस वन बाई टू। देखो इतना आंसर जो कि दिया हुआ था, ये सारा फॉर्मूला n माइनस वन तक क्यों है, क्योंकि पीछे अभी बताया क्योंकि मेरा जो लिमिट ऑफ द सम का फॉर्मूला लगेगा ना n माइनस वन तक लेकर के चलेगा, इसलिए सारे फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी। उसी तरह स्क्वायर का है, 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर डॉट 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 n माइनस वन का स्क्वायर करना है, क्यूब करना है, उसी तरह a + ar + ar² डॉट 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 ar का पावर n माइनस वन बाई आर माइनस वन, यहां तक दिख रहा है। तो एक और देखिए, साइन ए प्लस साइन ए प्लस एच साइन ए प्लस टू एच, ये भी कहां तक जा रहा है, एन माइनस वन तक। ये फॉर्मूला रिमेंबर रखिएगा, इंटरेस्टिंग है, साइन ए प्लस एन माइनस वन बाई टू एच हो गया, साइन एन एच बाई टू साइन एच बाई टू हो जाएगा, और कॉस ए प्लस कॉस ए प्लस एच प्लस कॉस ए प्लस टू एच डॉट 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 किया गया है, कॉस ए प्लस एन माइनस वन बाई टू एच हो गया, कॉस एन एच बाई टू बाई साइन एच बाई टू हो जाएगा, ठीक है, यही बस आंसर, ध्यान से देखिएगा। तो इसका हम लोग यूज करेंगे, तो चलिए क्वेश्चन बना के दिखाता हूं मैं आपको कैसे इसका यूज होने वाला है इन सारे फॉर्मूला का। आइए एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, आई इक्वल टू 0 से 2 एक्स प्लस 4 डीएक्स, और क्वेश्चन में लिखा रहेगा लिमिट ऑफ द सम, आपको इसी मेथड से बनानी है, लिमिट ऑफ द सम मेथड से आपको बनाना है, लिखा रहेगा क्वेश्चन में। तो सबसे पहले आप इसको चुन लो ना, ये मेरा हो जाएगा एफ एक्स, ये हो गया एफ एक्स जी एक्स प्लस 4, नीचे वाला हो गया ए 0 और ऊपर वाला हो जाएगा बी, ये हो जाएगा बी, इस बात का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और साथ साथ आप क्या निकालो, NH भी निकालो, NH बताया था B माइनस A, जो कि फॉर्मूला भी जस्ट बताया, NH इक्वल टू B माइनस A। अब क्या करोगे, NH को NH रखो, B के जगह 2 माइनस 0 हो जाएगा 2, यही हो जाएगा NH इक्वल टू आ जाएगा 2, ठीक है, पर्पस हमारा क्लियर है, NH पता है, उसके बाद A पता है, B पता है और FX मेरा पता है। क्या आप निकालेंगे, नाउ वी विल कैलकुलेट द फॉर्मूला, सबसे पहले एफ ए निकाल लो, या डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो ना, सब यहीं पे निकल जाएगा। मुझे एरिया चाहिए, एरिया कैसे होगा जी, निकलेगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये हो जाएगा एफ, यहां लिखेंगे एच, एफ ए बताया गया था प्लस एफ ए प्लस एच बताया गया था प्लस एफ ए प्लस 2h था प्लस डॉट 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 प्लस f a प्लस n माइनस 1 h हो गया, ठीक है, यहां तक ये फॉर्मूला आपको बताया गया था। आइए सबको फॉर्मूला में पहले पुट करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 और ये h की जगह h रखो, देखो fa मतलब क्या, यहां देखो x दिख रहा है ना, x की जगह a लिखेंगे, तो यहां रखेंगे a प्लस 4 ए प्लस 4, ठीक है, पहला ये हो जाएगा ए प्लस 4 प्लस, इस बार ये पूरा x का काम करेगा, ए प्लस एच x का काम करेगा, तो जहां पर x है ना वहां पर जाकर के आप पुट करोगे, यहां पर x की जगह पुट कर लो, क्या पुट किया जी, ए प्लस एच पुट किया और प्लस लिख दिया मैंने 4,
ये तो 4 होगा ही, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ये देखिए ये 4 हो गया। उसके बाद फिर हम क्या पुट करेंगे, प्लस ए प्लस 2H, बहुत आसान, यहां पर जाके पुट कर दो ए प्लस 2H और प्लस हो गया 4, ठीक है, ये 4 हो जाएगा। और फिर लास्ट वाला देखिए डॉट 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 लास्ट में, ये पूरा x की जैसा काम करेगा, ये पूरा x, तो जहां पर x है ना वहां पर जाकर के पुट कीजिए a प्लस n माइनस 1 h, ठीक है, और प्लस मैंने लिखा 4, ये लिखा प्लस 4, ध्यान से देखो, लिमिट h टेंस टू 0, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, जितना भी देखो अब हमारा जो पर्पस है ना, यहां तक तो चलो जी पुट कर दिया, जो मेरा पर्पस है जो पीछे फॉर्मूला पढ़ाया था ना उस पैटर्न में ला करके देखने की कोशिश करो। और एक अच्छी बात क्या है कि a का वैल्यू पुट कर दो, a का वैल्यू क्या है 0, 0 0 रखना कर दो, यहाँ 0 प्लस 4 हो गया, ठीक है, यहां भी रख दो 0 प्लस h प्लस हो जाएगा 4, रख सकते हैं, प्लस यहां भी 0 रख दो, तो मैंने रख दिया 0 प्लस 2h और प्लस हो गया 4। अब क्या करेंगे डॉट 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 प्लस 0 प्लस हो जाएगा n माइनस 1 h और प्लस हो गया 4। आराम से देख लीजिए जहां जहां a का वैल्यू था, ये देख रहे हैं a का वैल्यू मैंने 0 रख दिया। चलिए लिमिट h टेंस टू 0, अब क्या करेंगे सारे 4 को एक साथ कलेक्ट कर, सारा 4 तो कितना होगा 4 4 4, कितने बार चला जाएगा देख लो, सोच लो कितने बार चला जाएगा, ये जितने भी आप 4 देख रहे हो ना, ये जितने भी 4 दिख रहा है वो कितने बार जाएगा, ठीक है, मान लो ये चला जाएगा 4n, n बार जा रहा है, ठीक है, वी आर टेकिंग एज अ 4n, ध्यान से देख लीजिए ये जो डाटा जाएगा 4n जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि यहां से 4 स्टार्ट हो रहा है, और देखो h अगर होता तो h 2h 3h लास्ट में n माइनस 1h था, लेकिन 4 तो मेरा पहले से स्टार्ट हो रहा है तो पूरा n बार तक जाएगा, ठीक है, ये n बार तक जाएगा, 4 पूरा का पूरा n बार तक जा रहा है, ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तो 4n रखा, उसके बाद क्या होगा h को कलेक्ट करो, h प्लस यहां रख लो 2h प्लस, उसके बाद 3h प्लस डॉट 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 प्लस नेक्स्ट n माइनस 1h हो जाएगा, ठीक है, n माइनस 1h हो गया, और ये तो h पहले से भी था जी, इधर पहले से h था मैंने लिख दिया। चलिए क्या यहां से कुछ कॉमन आएगा देखते हैं, क्या हमारा कुछ कॉमन आ सकता है, लिमिट लिखा h टेंस टू 0, h की जगह h लिखा, 4n की जगह 4n, यहां से कॉमन निकाल लो h 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n माइनस 1 हो गया, ठीक है, n माइनस 1 हो गया, मैंने कॉमन निकाल लिया h 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 n माइनस 1 हो गया। अब देखो जी कैसे इसको सॉल्व करते हैं, क्या करना होगा, यहां लिखना होगा लिमिट h टेंस टू 0, h बाहर निकला 4n प्लस, देखो यहां फॉर्मूला लग गया n माइनस 1 तक, बताया था ना फॉर्मूला, ये होगा n n माइनस 1 और by 2 लिखा मैंने, n n माइनस 1 by 2, यहां से यहां तक देखिए n n माइनस 1 by 2 हो गया। अब आप क्या करोगे, लिमिट h टेंस टू 0, h को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 4nh हो जाएगा। और देखो टारगेट, अब जब कैलकुलेशन करने की बारी हो गई ना, सारा फॉर्मूला और रूला फुट करने के बाद अपने माइंड में सिर्फ एक ही बात रखना कि मुझे h को अंदर ले जाना है, nh के फॉर्म में लाना है, nh, क्योंकि ऊपर में nh का वैल्यू लिखवाया था मैंने, nh लाना हर हाल में। तो देखो अंदर में मल्टीप्लाई किया तो 4nh हो गया, ये पता है आपको, ध्यान से देखिएगा, तो ध्यान रखिएगा अब सारा फॉर्मूला आपने पुट कर लिया जो प्रीवियस वाला बताया था, उसके बाद आप क्या करोगे, जो एनएच है ना हर जगह अंदर में एनएच लाने की कोशिश करना, एनएच, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इस एच को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये बेचारा एन था, एच के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एनएच आ जाएगा, इस एच को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये एच स्क्वायर तो होगा, ध्यान से देखिएगा एनएच, ये दोनों तो आपस में एनएच है, ये एच जाएगा ना तो इसको अंदर घुसा दो, कमॉन अंदर घुसा दो, इसमें अगर मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन जाएगा एनएच माइनस वन के साथ हुआ तो एच हो गया बाई टू हो जाएगा, ठीक है, इसके साथ अगर मल्टीप्लाई किया तो एनएच, फिर अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो एनएच,
और माइनस वन, ये तो आपस में ही था लेकिन ये एच गया तो इसके साथ नहीं जाएगा, इसके साथ अंदर घुस जाएगा, दोनों में मल्टीप्लाई होगा बाई टू, ठीक है, सब जगह एनएच का जुगाड़ हो गया जी। अब क्या करना है आपको, पुट कर देना वैल्यू। देखो एनएच का वैल्यू यहाँ टू दिख रहा था, ठीक है, जैसा बताया गया था। आप यहाँ रख दो एनएच का वैल्यू, लिमिट एच टेंस टू जीरो फोर इंटू एनएच का वैल्यू टू प्लस यहाँ टू टू माइनस जीरो और बाई टू। देखो अब डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है हमें, सॉल्व करना है, क्या करेंगे एनएच की जगह टू रख देंगे, यहां भी टू रखेंगे, टू माइनस एच की जगह जीरो रखेंगे, बाई टू कर देंगे, सब सॉल्व कर लो तो एट प्लस कैंसिल कर लो टू कर लो तो नेट आंसर कितना होगा, टेन होगा। यही तो मेरा एरिया है, ठीक है, एरिया या एरिया कह सकते हो या जो आंसर अभी बताया गया था जीरो से लेकर फोर, और ये मेरा था एफ एक्स डी एक्स जो था, सॉरी जीरो से फोर नहीं था, जीरो से टू था, जीरो से टू ये होगा x प्लस फोर और dx, तो टोटल जो आंसर मेरा आ गया ये देखिए ये आ जाएगा 10 आपका आंसर होगा। आप देखो इस चीज को डायरेक्टली भी आप टेस्ट कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए। आपको पता है कि अगर ये जीरो से टू नहीं रहता तो डायरेक्ट इसका क्या फॉर्म इंटीग्रेशन होता, एक्स स्क्वायर बाई टू होता और प्लस फोर एक्स हो जाता, यही करते ना, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस फोर एक्स आपको पता है। और अब लिमिट है टू और जीरो, अपर लिमिट लोअर लिमिट, ठीक है, तो जहां जहां एक्स है ना एक बार टू पुट करेंगे फिर माइनस करेंगे और जहां जहां एक्स है वहां पर एक बार जीरो पुट करेंगे। तो क्या करते हैं चेक करो, यहां पर पुट कर दो टू का स्क्वायर, एक्स की जगह टू पुट कर दिया बाई टू प्लस फोर इंटू टू, तो जहां जहां आपके पास एक्स था वहां पर आप क्या पुट किए टू, माइनस किया फिर जहां जहां एक्स था वहां पर जीरो पुट करेंगे, जीरो का स्क्वायर बाई टू प्लस फोर इंटू मैंने जीरो लिखा प्लस फोर इंटू जीरो, टोटल सॉल्व किया कितना होगा फोर बाई टू प्लस एट माइनस, ये तो जीरो हो गया, इसमें थोड़ा सॉल्व करके देख लो कितना हो गया, ये तो कैंसल, एट और टू टेन, देखो ऐसे भी आंसर टेन आ रहा है, ठीक है। आगे जाके हम लोग इसी मेथड से पढ़ेंगे लेकिन इस मेथड से अभी नहीं बनाना है, जब क्वेश्चन में साफ कह दिया जाए यू हैव टू कैलकुलेट द क्वेश्चन बाई लिमिट ऑफ द सम देन यू हैव टू यूज ओनली लिमिट ऑफ द सम, ठीक है। लेकिन ये टेस्टिंग करने के लिए बता दिया कि दोनों तरीके से आंसर देखो सेम आता है, सिंपल, अगर इंडेफिनिट होता जीरो और टू नहीं होता तो डायरेक्ट हम इंटीग्रेट करते, एक्स स्क्वायर बाय टू आता प्लस फोर एक्स आता ऊपर टू नीचे जीरो, तो एक बार पूरा अपर लिमिट पुट करते, जहां जहां एक्स दिख रहा है ना वहां पर अपर लिमिट पुट करो माइनस फिर हम लोअर लिमिट पुट करेंगे, ठीक है, और फाइनली आंसर मेरा उतना ही आएगा। मैं फिर से रिकॉल कर देता हूँ पूरे क्वेश्चन में हुआ क्या है जी, ये देखिए पूरा क्वेश्चन बनाने के लिए मैंने क्या किया कि पहले एफ एक्स ले लिया, अंदर वाला एफ एक्स था, नीचे वाला ए था, ए इक्वल टू जीरो, बी इक्वल टू टू था, और उसके बाद एन एच लिया, एन एच बी माइनस ए लिया मैंने, बी माइनस ए कम ऑन बी माइनस ए, तो टू माइनस जीरो, एन एच का वैल्यू मैंने क्या ले लिया टू ले लिया, ठीक है। तो क्या करेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो एच एफ ए प्लस एफ, ये तो फॉर्मूला भी आपको बताया गया था, सब फॉर्मूला पे मैंने पहले फंक्शन का वैल्यू पुट कर लिया, ये एफ एक्स था एक्स के टर्म में, हालांकि ये ए के टर्म में आ रहा है तो यहाँ पर ए ए पुट कर दिया, ए प्लस फोर ए प्लस एच को, तो रखा ए प्लस एच प्लस फोर, ए प्लस टू एच ए प्लस टू एच प्लस फोर प्लस डॉट 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 ए प्लस एन माइनस वन एच प्लस फोर रख दिया मैंने, ठीक है, ये फॉर्मूला रख दिया। फिर ए का वैल्यू भी दिया हुआ था उसे भी पुट कर दिया, जीरो था आसानी से पुट कर दिया, सारे जीरो को हट गया जीरो सब, ठीक है। फिर मिशन क्या रहेगा, इसको हर हाल में आपको एक पैटर्न में लाना है, जो कि पहले फॉर्मूला पढ़ाया था, जो छह सात फॉर्मूला भी जस्ट बताया गया उस फॉर्म में लेकर आना है। आप यहाँ काउंट करके देख लो, ठीक है, मान लो यहां से देखो फोर काउंट करते हो, मान लो ये फोर अभी छोड़ दो, यहां से काउंट करते हो ये फोर, जैसे फोर फिर फोर, जैसे ये वन एच टू एच, उसी तरह ये वाला फोर इसी के साथ है, मान लो एक फोर दूसरा फोर डॉट डॉट डॉट, ये एन माइनस वन फोर तक जाता, जो मैं रेड लाइन का भी सर्कल किया n माइनस वन तक जाता, लेकिन एक फोर तो और था इधर भी था, तो ये टोटल n तक जा रहा है, तो कह सकते हैं ये टोटल 4n हो गया। और फिर h बचा, h 2h 3h n माइनस वन एच तक था, ठीक है, यहां से फॉर्मूला h कॉमन निकाल लोगे तो फॉर्मूला मिल जाएगा, देखो ये छुपा हुआ था फॉर्मूला, और इस फॉर्मूला को हमने पुट किया, 4n था h है, अंदर में मैंने फॉर्मूला लगाया n n माइनस वन बाई टू, ठीक है। फिर हमने क्या किया, फोर एन एच हो गया, एन एच
एनएच माइनस वन बाई टू हो गया, सबको उठा करके और बताया ना कि जैसे ये सब फॉर्मूला अगर पुट कर दोगे तो आपकी मिशन क्या रहेगा, लिमिट सॉल्व करने की। लिमिट सॉल्व करने से पहले जो एनएच है ना, ये बड़ा मैजिकल वर्ड है, इसका आपको इस्तेमाल करना है। इस एनएच को हमेशा बीच में लेकर के आना है, किसी तरह से एनएच लेकर के आना है। तो हमने एच को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, एनएच लाने के बाद एनएच का वैल्यू पुट किया, एच का वैल्यू पुट किया, एच का वैल्यू ये टेंस टू जीरो है और एनएच का वैल्यू टू था। पुट उट करने के बाद फाइनली मेरा आंसर ये आ जाएगा, 10 आ जाएगा। दिस विल बी फाइनल आंसर।